नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा योग बताने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है मदन कामेश्वर ले हम। प्रणाम। नमस्ते, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज मैं एक आप लोगों को बहुत ही अच्छा ये लेहम रसायनम बताने के लिए आया हूँ, जो आयुर्वेद के प्रैक्टिस में बहुत अच्छा उपयोगी है, जिसका नाम है मदन कामेश्वर लेहम। तो इसके बारे में दूसरे कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, केवल केवल और केवल यह सहस्त्र युगम जो पुस्तक है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और साउथ इंडिया में यह जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा मिलता है, साउथ इंडिया की बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, यह लेह फॉर्म में आता है। इसको रसायन बोला है कि इसको कंटिन्यू भी सेवन किया जाए तो यह बहुत अच्छा फायदा करता है। अब इसका नाम है मदन कामेश्वर लेहम। मदन किसका नाम है? तो कामदेव का नाम है। और कामेश्वर मतलब किसका नाम है? वह भी कामदेव का नाम है। जो सेक्स के देवता हैं उनको कामदेव बोलते हैं। तो यह मनुष्य में जब इनफर्टिलिटी रहती है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन रहता है, सेक्स फटीग रहता है, ऐसे जब भी शुक्र का क्षय बहुत ज़्यादा रहता है तो धातुओं का भी क्षय होने लगता है प्रतिलोम क्षय से। तो ऐसी अवस्था में कुछ ऐसा दवाई चाहिए जो ना शरीर को बल दे और शुक्र धातु अच्छा करे। अगर शुक्र धातु अच्छा रहेगा तो प्रजा जो संतान है संतान उत्पादन में वो सामर्थ्य आ जाता है। और हम लोग वृक्ष दवाइयाँ तो यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में, हम लोग मन्मथ रस, फिर कामाग्नि संदीपन रस, स्वर्ण मकर ध्वज, भंग भस्म, त्रिभंग भस्म, रसेंद्र काम, चूड़ामणि रस, मन्मथ रस, कामनी विद्रावण रस, वृक्ष योग, ये सब तो यूज करते हैं, लेकिन इसका अवलेह फॉर्म में अगर यूज कर दिया जाए तो और ज्यादा इफेक्ट आता है। अलग अलग वेराइटी ऑफ मेडिसिन हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो मदन कामेश्वर लेहम है इसको चातुर्जात रसायन भी बोलते हैं। चातुर्जात मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, मैं उसी के बारे में पहले चातुर्जात बताऊंगा और उसके बाद में अलग अलग इसके वर्णन बताऊंगा। तो भाव प्रकाश निघंटू अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें श्लोक में बताया है एकदम स्पष्ट किया है कि त्वक गैला पत्रक स्तुल्य त्रिसुगंधि त्रिजातकम, मतलब दालचीनी ले लिया, इलायची ले लिया और तेज पत्ता ले लिया, इसको त्रिजातक बोलते हैं। यह आप लोगों ने सेकेंड ईयर में BMS में पढ़ा है। उसी तरह से नाग केश संयुक्तम चातुर्जातम मुच्यते, मतलब ऐसा बता रहे हैं कि अगर उसमें नाग केशर मिला दिया जाए तो वो चातुर्जात बन जाता है। तो क्या क्या हुआ मैं फिर से बताता हूँ। दालचीनी, इलायची हो गया, तेजपत्र हो गया और नाग केशर, ये चातुर्जात होता है। तो ये जो मैं अभी मदन कामेश्वर लेहम बता रहा हूँ इसमें घटक द्रव्य मेन यही है, दालचीनी है, फिर इलायची है, फिर उसके बाद में तेजपत्र है और नागकेसर है, इसी का ये रसायन है। और इसमें और भी घटक द्रव्य हैं उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले और क्या बताया है श्लोक में वह देखते हैं। तद्वयम रोचनम रुक्षम तीक्ष्णोष्णम गंधहृत लघु पित्ताग्नि कृत वर्णम कफ वात विशापहम। ये जो त्रिजात है या चतुर्जात है ये रुचि कारक है, मतलब रुचि उत्पन्न करता है, थोड़ा रुक्ष है, तीक्ष्ण है, उष्ण विरह है, इसलिए मुख की दुर्गंधि को दूर करता है, कफ को शमन करता है, लघु है और अग्निवर्धक है, अग्नि को बढ़ाता है। और नॉर्मल अगर पित्त का क्षय है तो यह पित्त को भी बढ़ाता है, नॉर्मल अवस्था में ला देता है। इसी तरह से वर्ण है, शरीर को अच्छा कलर लाता है और कफ वात और विष को यह नष्ट करने वाला है, मतलब यह अगत द्रव्य भी है क्योंकि इलायची जो है वह अगत द्रव्य में बताया है। तो कफ वात जन्य जितनी भी बीमारियां है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बाकी हम द्रव्य गुण से और द्रव्यों का एनालिसिस करेंगे। अब मैं चातुर्जात रसायन या मदन कामेश्वर रस के बारे में पहले बता देता हूँ कि सहस्त्र योगम में क्या बताया है, उसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसका प्रयोग मैं अपने प्रैक्टिस में करता हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों को भी इसका उपयोग बता, ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में आप लोग के प्रैक्टिस में मेल इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे होंगे। जो बॉयज रहते हैं, कॉलेज गोइंग बॉयज रहते हैं, उनको ना पॉर्न वीडियोज, एडल्ट वीडियोज देखने का बहुत गंदा आदत पड़ जाता है। मोबाइल आजकल सबके पास है और जियो ने क्या कर दिया है कि 2 GB सबको दे दिया है, फ्री दे दिया है, 2 GB या 1.5 GB, तो वह देखेंगे कैसे उसको खत्म करें दिन भर में डेटा। तो वह लोग गलत गलत चीजों में बहुत ज्यादा संलग्नित हो जाते हैं। इसीलिए ना हम लोग को मेडिसिन भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हमें किसी की बुराई नहीं निकालनी है, हमें जो बिगड़ी है उसको सुधारना है, ट्रीटमेंट देके हमको सुधारना है। तो ये मदन कामेश्वर लेहम जो है या चातुर्जात रसायन है इसके बारे में क्या बताया है आचार्यों ने सहस्त्र योगम नाम का। और सहस्त्र योगम का मतलब क्या है? 1001, इसमें योग बताए हैं। वन सहस्त्र मतलब 1000,
1001 इसमें योग बताए हैं, ऐसा पुस्तक साउथ इंडिया में चलता है, आप लोगों के पास भी अवेलेबल होगा, अगर नहीं होगा तो आप बोलिएगा मैं आपको भेज दूंगा। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद में इसका अर्थ बताता हूँ। ऐसा बता रहे हैं कि चातुर जातक चोर चंदन जल द्राक्षा तुगा रेणुका कस्तूरी तगरेन्दु कुमकुमा जटा कुष्ठा अश्वगंधा अब्धकम काकोली सुर दारू चित्रक वचा द्वा जीरको सैंधवम भारंगी गोपसुर देव पुष्प मुसली यष्टि फना वेन फेनकम यष्टि बला फेनकम रंभा कंद फल त्रयम त्रिकटुकम जाति चा लंबालकम तालिसम कुटकी फलम गज कर्णा याशामृता शर्करा गुप्त भृंग विदारिका मदनजम बीजम च कुंभ्युद्भवम शाल्मल्य अंग्री पुनर्नवारु शता वर्मा प्यतो दीप्यकम पादांश अमृतभ्रकम च विजयातुल्योषाधानम पुनः सर्वेषां सदृशी सीता च मुदना साज्येन सर्पिषम सर्पिषितम जाति चंपक केतकादि कुसुमैः संभासितम वासितम कर्षम निशि देह सिद्धिद महाकामेश्वरः कामदा पुंसाम शुक्र विवृद्धि दाढ़ करना, मतलब ये पुरुषों में शुक्र बढ़ाता है और शुक्र को दृढ़ बनाता है, इतना बोल रहे हैं। फिर क्षीरानुपानो, क्षीर मतलब गाय का दूध का अनुपान के साथ अगर सेवन किया जाए, हिता शाल्म्य शाल्म्यग्नि जलानुपान मत्वा या फिर शाल्मली का कषाय के साथ लीजिए या पानी के साथ इसका सेवन करिए। पन्नेचि शुक्रम प्रणाम सदृशम सुखाति सुखशो श्यापहो द्रावक संगेरु भंगुर काम कौतुग्रस क्रीड़ा कुलह सम्मता। जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको भी अगर कामेच्छा कम हो गई है या फिर उनको ना कुछ इच्छा नहीं हो रही है, तो उनको भी यह तरुण की तरह बहुत ज्यादा यह शुक्रवान बना देता है, उनको काम की इच्छा शुरू हो जाती है। उसके बाद में संभोगे स्थाविरान्योक्ष्यति यथा यूनम स्मरो दंपदे नित्यानर्तन दान दानमा वीर पुरुषेराप्यम हिता स्वादन वाचम सिद्धिकर प्रसिद्धकम विता संदर्भ संवादन सौख्यारोग्य विशेष यौवन कला सामग्र संवादक वृद्धत्वम हृते बलम च कुरुते मृतशूर निर्यत्यल्यग्नम व्याधि वार्तम पाक करोति कुरुते कांतिम च मत्यार्जवम योग्याभ्यास विधावित सुखदा विसिद्धम विदत्ते राम सहति सहनृते कल्यते स्त्रीणाम अपत्य प्रदाह। स्त्रियों को यह अपत्य करता है, मतलब संतान उत्पन्न करने की ताकत बढ़ाता है, क्षमता बढ़ा देता है। और उसी तरह से वृद्धत्वम हरते मतलब बुढ़ापा को दूर करता है, बलम च कुरुते बूढ़े लोगों में जो बल की हानि हो जाती है तो यह बल प्रदान करता है। मृत्युष निरस्य अत्यलम मतलब मृत्यु को दूर करता है, अकाल मृत्यु अगर आ रही है शरीर के कमजोर होने की वजह से उसको ये दूर करता है। व्याधि पापम व्याधि व्रातमम व्रातमपा करोति मतलब व्याधि को दूर करता है। कांतिम च मर्त्यार्जवम कांति को बढ़ाता है और शरीर को बहुत ज्यादा पुष्ट कर देता है। फिर ऐसे बताए रोगाणाम निचयम क्षयम शप्यते शिप्रम महारुग्ण व्याहंती श्वसनम क्षयम गम्यति शिंदे कासोदयम मतलब श्वास व्याधि में कास व्याधि में और क्षय व्याधि में अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय वाला जो राजयक्ष्म है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दुर्नामा हटि निच्छन्ति हरते सर्व सर्वातिसारुण्यम महौषधम च रुणद्धि शोणितगम विध्वंसते सेवनात् मतलब यह सर्वातिसार मतलब वातातिसार पित्तातिसार रक्तातिसार आमातिसार जो भी अतिसार की बीमारियां हैं उसमें भी यह इंटेस्टिनल वॉल्स को ताकत दे देता है, तो उसमें भी यह बहुत ज्यादा श्रेष्ठ द्रव्य है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं वह हम लोग देखते हैं और उसके बाद में आपके चर्चा करते हैं। तो पहले है चातुर्जात, तो चातुर्जात में क्या क्या होते हैं आप लोग को पता है कि इलायची है, दालचीनी है, फिर तेजपत्र है और ये नागकेसर है, यह ले लिया। फिर चोर चंदन करके एक वनस्पति आती है वह ले लिया, पानी ले लिया, द्राक्षा ले लिया, तुगा ले लिया, रेणुका ले लिया, कस्तूरी तगर इंदु कुमकुम जटा कुष्ठ फिर अश्वगंधा अब्ध काकोली सुरदारू मतलब देवदारू डाला, चित्रक वचा दोनों तरह के जीरा डाल दिए, स्याह जीरा और नॉर्मल जीरा डाल दिया, सैंधव भारंगी गोक्षुर देव पुष्प मुसली फिर यष्टि मधु बला रंभाकंद फलत्रय मतलब ये फलत्रय मतलब त्रिफला डाल दिया, त्रिकटुक मतलब शुंठ मरीच पिपली डाल दिया, जाति लंबालकम तालिस पत्र कुटकी फल फिर गज करना याश अमृता शर्करा गुप्ता भृंगराज फिर भंगा विदारिका फिर मदन फिर कुंभी बीज शालमली पुनर्नवा शतावरी और अजवाइन दीप्यक ये सब डाल दिया है, प्रत्येक संभाग ले लिया है। फिर मृत अम्ब जो अभ्रक है जो शोधन और भारण से किया हुआ सिद्ध अभ्रक भस्म है
वह ले लिया, फिर विजया मतलब जो भांग है वह ले लिया, या चतुर्थांश भाग ले लिया, मतलब अभ्रक और भांग है 1/4 मात्रा में लिया है, बाकी सब समान मात्रा में ले लिया है, और इन सबको जितना चूर्ण है उतना ही मिश्री मिला दिया है, सीतोपला मिश्री मिला दिया है, और यह मिलाकर फिर मधु और घृत के साथ मर्दन करना है। इसमें मधु और घृत जो है वो विषम मात्रा में, और उसको ऐसे मर्दन गोल 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 घुमाते घुमाते जाएंगे तो यह अवलेह फॉर्म में बन जाएगा। यह जाति चंपक केतकी आदि पुष्पों से सुगंधित पात्र में सुरक्षित रखना है, मतलब ऐसा सुगंधित पात्र रहना चाहिए जिसमें चमेली है, जाति पत्र है, केतकी है, चंपा है, ऐसे पुष्पों से सुगंधित पात्र है उसमें इसको रख लेना है, तो ये सुगंधी उसमें भी आ जाएगा, जो मदन कामेश्वर लेहम है उसमें भी सुगंधित आ जाएगा, और इसमें जब चातुर्जात वगैरह वनस्पतियां हैं तो ये सुगंधित ही द्रव्य है, तो ये महाकामेश्वर रस है ऐसा बताते हैं, महाकामेश्वर लेहम है। इसके बाद अनुपान के लिए दूध का प्रयोग करना है, या शाल्मलिक मूल का कषाय का प्रयोग करना है, और या फिर शुक्र बढ़ाने वाले द्रव्य जैसे मुसली का काढ़ा दे दिया, या मुसली पाक दे दिया, कपी कच्चू का बीज दे दिया, अश्वगंधा का अवलेह दे दिया, या अश्वगंधा का काढ़ा दे दिया, या विदारीकन दे दिया, शतावरी दे दिया, जो भी शुक्र बढ़ाने वाले द्रव्य वह अनुपान के रूप में देना है, और या उससे फिर क्या होता है कि शुक्रवात अगर है, शुक्र में वायु का प्रकोप हो गया है तो उसकी वजह से शुक्र जल्दी निकल जाता है, जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, या मोटिलिटी कम होना, यह भी एक बहुत ज्यादा व्याधि रहता है आजकल, ये बढ़ रहा है, एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया, मतलब नंबर ऑफ काउंट्स कम होना ओलिगोस्पर्मिया होता है, और जीरो रहना वो एजोस्पर्मिया रहता है, या फिर स्पर्म सेल की मॉर्फोलॉजी खराब होना, जैसे हेड टेपरिंग हेड होना, या फिर बॉडी खराब होना, या टेल में विकृति होना, या फिर मोटिलिटी मतलब वो फास्ट जा नहीं रहे, ग्रेड 1 2 3 4, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा जब सीमेन एनालिसिस करते हैं वह सब कारण होता है, या पस सेल आना, तो ये शुक्रगत वात की वजह से ऐसा होता है, या फिर शुक्र क्षय बहुत ज्यादा है तो उनमें यह शुक्र को धाढ़ करता है, शुक्र की वृद्धि भी करता है और शुक्र को टिकाए रखता है, मतलब अभी हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम मैथुन करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं ना, तो 2 सेकंड में निकल जाता है, आप हमें ऐसा कुछ दवाई दीजिए कि हमें आधा घंटा अगर हम मैथुन करें उसके बाद जब निकालना चाहे तभी निकले, तो वह ऐसा डिमांड होता है, तो इसमें जो द्रव्य है वह इस तरह से इस मेडिसिन को बना देते हैं कि इसका प्रयोग करने से शुक्र आराम से निकलता है, जो अगर शुक्र क्षय जल्दी होने का प्री मैच्योर इजैकुलेशन का तकलीफ है तो उससे हम लोग इसको देने से पेशेंट को हम निकाल सकते हैं, वो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसी तरह से काम शक्ति बढ़ाता है, जो लोग लॉस ऑफ लिबिडो वाले आते हैं जिनको ना काम की इच्छा ही नहीं होती है, मतलब वो हस्बैंड वाइफ भी जाएंगे ना तो कुछ मन ही नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है काम में, या मतलब जो अपना वर्किंग है वर्किंग प्रोफेशन में इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि उनकी इच्छा ही नहीं होती है, लॉस ऑफ लिबिडो, या फिर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है, तो यह काम शक्ति को बढ़ाने वाला है, मैथुन में आनंद वृद्धि करने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट और ऑर्गेजम की स्थिति लाने वाला है, मतलब परमानंद की स्थिति जो आती है वह लाने वाला है। इसी तरह से वाक शुद्धि करता है, इसका सेवन करेंगे तो ये केवल वहां पे शुक्र व स्त्रोतस में ही काम नहीं करेगा, सार्वदेहिक न स्वर को अच्छा करता है, स्वर को गंभीर करता है। उसी तरह से कवित्व शक्ति कर, इसका प्रयोग करने से ना कविताएं लिखने की जो पोएट वगैरह होते हैं ना, शायर होते हैं, उस तरह का बुद्धि जागृत हो जाता है। उसी तरह से यह आयु वर्धन है, बल वर्धन है, इसका सेवन करेंगे तो शुक्र जो रहेगा वो जितना रहेगा शरीर में उतना ही नए नए सेल बनते जाएंगे। इसी तरह से बल बढ़ाता है, मांस धातु की ताकत बढ़ाता है, अकाल मृत्यु नाशन है, मतलब जिसको ना शुक्र क्षय बहुत ज्यादा होने से हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओज रहता है, 8 बिंदु ओज रहता है, अगर वह शुक्र क्षय होगा तो ओज भी निकल जाएगा और मृत्यु होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो यह अकाल मृत्यु हर है, सारे ऑर्गन्स को ताकत देता है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो यह नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मीठा है, अवलेह फॉर्म है, मधु है और इसमें शर्करा ये मिश्री डाला हुआ है, तो उनको तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनको अगर दे दिया तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अकाल मृत्यु नाशन है, ये ऑर्गन्स को ताकत दे देता है, कांति वर्धन करता है, मतलब ओज बढ़ाता है, कांति बढ़ाता है, बुद्धि में आर्जव कर है, मतलब बुद्धि जो रहते हैं ना वो ग्रास्पिंग, फिर रिकॉलिंग, फिर मेमोरी, धारणा शक्ति, यह सब बढ़ा देता है। फिर योग सिद्धिप्रद है, जो योगी लोग हैं होते थे ना उनको कुछ ऐसा ताकत चाहिए था कि शुक्र धातु बढ़े और वह शुक्र ऊर्ध्वगामी होकर कुंडलिनी को जागृत करे, कुंडलिनी जागृत होगी तो मणिपुर चक्र, विशुद्ध चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, ये सारे चक्र जागृत होंगे, आज्ञा चक्र, ये सब जागृत होंगे तो क्या होगा कि उतनी उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी,
शुक्र बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता था। तो यही चीज को ये ऋषि मुनि ये खुद बनाते थे जब वो पर्वतों पे रहते थे हिमालय में, वहां पर ये सारी वनस्पतियां इजीली अवेलेबल थी और वो लोग बनाते थे और वो खाते थे, और यह मतलब दूसरा खाना नहीं खाएंगे, केवल रसायन ही सेवन करते थे। इसलिए उनकी इतनी प्रतिकार शक्ति रहती थी कि हिमालय में इतने ठंडी में भी रह पाते थे, नंगे बदन कुछ पहने नहीं है कपड़ा, तब भी उनकी प्रतिकार शक्ति इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहती थी कि इतने सालों साल वो जीते रहते थे और कोई बीमारी नहीं, ना बीपी का प्रॉब्लम, ना डायबिटीज का प्रॉब्लम, ना कुछ, ना उनको ठंडी लग रही है, ना गर्मी लग रही है। वो लोग वहां पर भी सस्टेन करके वहां तपस्या में लीन हो पा रहे थे, और उनको इंद्रियों पे इतना नियंत्रण था कि मल मूत्र त्याग भी जब उनको चाहिए तभी करते थे, मतलब नहीं तो नॉर्मल जो मनुष्य रहते हैं गृहस्थ लोग उनको जो सुबह शाम आते हैं, लेकिन वो ऋषि मुनि लोगों को तो इतना बल प्राप्त था, माइंड पे भी कंट्रोल था, हर सिस्टम पे कंट्रोल था। तो यह सब मदन कामेश्वर रस का से लेहम का प्रयोग करने से हो जाता है, या अपत्य वर्धन भी है, जिसको संतान नहीं हो रही है तो, या फिर उनको वंध्यत्व है तो उनको दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को खिला दिया जाए तो इससे अपत्य वर्धन होता है। हमारे सर ऐसा बताते हैं कि सहस्त्र योग में ये जो मदन कामेश्वर लेहम है इसमें आप अवलेह के फॉर्म में बनाइए और जो जो अवेलेबल है आप लेके आइए, उसमें मिश्री डाल दीजिए, पीस के मिश्री पिसा हुआ वो डाल दीजिए, मधुघृत विषम मात्रा में डाल दीजिए और बना के रख लीजिए, और एक एक चम्मच सुबह शाम खाइए, इतना अच्छा फायदा होता है इसका। आप लोग भी सेवन करिए और करवाइए भी सभी लोगों को, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। यह राजयक्षमा में बहुत अच्छा करता है, ट्यूबरकुलोसिस जो अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय के वजह से होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर वातज वेदना में बहुत अच्छा काम करता है, श्वास कष्ट व्याधि में अच्छा काम करता है, अतिसार में काम करता है, फिर मेह रोग प्रमेह रोग मधुमेह को छोड़कर बाकी जो प्रमेह है तो उसमें जैसे कफज के 10 टाइप है, पित्तज के 6 टाइप है, वातज के 4 टाइप है, तो मधुमेह को हटा दिया तो कफज वाला कैसा है, आलाल में, फिर सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, इक्षुवालिका में, वह सारे जो 10 है, फिर पित्तज वाले में देखेंगे तो हरिद्र में, मंजिष्ठ में, रक्त में, नील में, वह सब में बहुत अच्छा काम करता है। वातज वाले देखेंगे तो हस्ति में, वसा में, वह सब में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये धातुओं में जो शिथिलता आ गई है, क्लेद उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो रही है, बद्ध अबद्ध मेद विकृत हुआ है, कफ दुष्टि हुई है, क्लेद बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मेह में आविल मूत्रता, बहु मूत्रता, गंदा यूरिन आता है और बहु मात्रा में यूरिन आता है और अलग अलग कलर का आता है, जैसा जैसा दोष रहेगा वैसा वैसा यूरिनेशन होगा। तो ऐसे सारे कंडीशन में धातुओं में वीकनेस आती है, धातु अग्नि मंद हो जाती है, तो धातुओं को बल देना बहुत जरूरी है। तो मदन कामेश्वर लेहम है उसका अगर सेवन करा दिया जाए तो यह प्रमेह के हर संप्राप्ति को भंग करने करके ताकत दे देती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और यह रक्त पित्त नाशक है, इसमें सारे द्रव्य जो है वह, क्योंकि इसमें मिश्री डाला हुआ है तो वो रक्त पित्त में बहुत अच्छा करता है, बाकी जितने भी द्रव्य हैं वह सब रक्त और पित्त की शुद्धि करने वाले हैं, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता अम्लता जो बढ़ा हुआ है और रक्त रक्त में जाके मिल जाता है पित्त का, और रक्त भी दुष्ट हुआ है उन सब का, रक्तगत आम का भी पचन करता है, ये सारे घटक द्रव्य बहुत ही श्रेष्ठ हैं। तो इसका प्रयोग करने से बहुत ही आयु बढ़ता है, बल बढ़ता है, शुक्र का दुर्बलता है वह ठीक हो जाता है, रसायन कार्य करता है, और ये लॉन्ग टर्म में भी यूज किया जा सकता है। मदन कामेश्वर लेहम जो है इसको चातुर्जात रसायन बोलते हैं, साउथ की बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप लोग इंक्वायरी करिए या आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग के सिटी में नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आपको जो जो चीज़ अवेलेबल है सब लेके आइए, पंसारी की दुकान से, काष्ठ औषधि की दुकान से लेके आइए, और आप जो भी अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि इसमें 50 द्रव्य हैं तो 50 द्रव्य डालना है, आपको 5 मिल रहे हैं तो 5 भी डालिए और इसका सेवन कराइए पेशेंट को, और खुद बहुत अच्छा फायदा होगा, घर के लोग को भी दीजिए। तो यह रसायन कार्य करता है, शारीरिक ताकत बढ़ा देता है। अभी जो चातुर्जात है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चातुर्जात में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलायची, इलायची के बारे में ऐसा बताया है कि एला स्थूला च बहुला पृथ्वी का त्रिपुटा पिचा भद्रेला बृहदेला च चंद्रवाला च निष्कुटी स्थूलेला कटुका पाके रसे चानिर क्रल लघु रुक्षोष्णा श्लेष में पित्तास्र कंडु श्वास त्रिशापहा हिरला से विश्व बस्त्यास्य शिरोरूप मिकासनुत। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि बड़ी इलायची जो रहती है वह पाक और रस में कटु रहती है, मतलब विपाक में भी कटु रहती है और रस में भी कटु रहती है, अग्नि जनन है मतलब भूख को बढ़ाती है, रुक्ष है, लघु है और उष्ण विरयात्मक करती है, या कफ को शमन करती है, पित्त को ठीक करती है, रक्त विकार को ठीक करती है, खुजली को ठीक करती है मतलब कुष्ठ में भी अच्छा काम करती है, श्वास में काम करती है, तृष्णा रोग में, हृदयास में, छर्दिग्न गण में इलायची डाला हुआ है,
बड़ी इलायची अगर देते हैं ना, किसी को उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, इलायची और मिश्री दे देते हैं तो उल्टी बंद हो जाता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं। फिर विष रोगों में यह अगर द्रव्य भी है तो विषग्न भी है। फिर बस्ती, मुख और सिर संबंधित रोग, वमन और खांसी को दूर करती है। अब छोटी इलायची के बारे में बताया है कि सूक्ष्मोपकुंजिका, तुत्था, कोरंगी, द्रावड़ी, त्रुटि, एला सूक्ष्म, कफ श्वास, कासार्शो, मूत्र कृच्छहित, रसेतु कटुका शीता, लघ्वी वात हरी मता। मतलब यह श्वास कास में तो काम करती है, अर्श में छोटी इलायची काम करती है, मूत्र कृच्छता में काम करती है, कटु रस युक्त रहती है, शीतवीर रहती है, लघु और वातनाशक रहती है। इसी तरह से अगर हम दालचीनी देखेंगे तो उसके बारे में बता रहे हैं, श्लोक में बहुत बढ़िया बताया है, त्वक स्वादितु तनुक त्वक्य स्यात दारुषिता मता, उक्ता दारुषिता स्वाद्वी तिक्ता चानिल पित्तहृत, सुरभि शुक्रला बल्या मुक्षो शिद्रशापः। यह मधुर रस वाली रहती है और यह हर चीज को सुगंधित, च्यवनप्राश में भी यह डाला हुआ है, यह हर मेडिसिन को सुगंधित बना देती है। तिक्त रस युक्त रहती है, वात पित्त नाशक रहती है, सुगंध युक्त रहती है, शुक्र जनन रहती है दालचीनी। उसी तरह से मुख शोष को दूर करती है, प्यास की बीमारी को, तृष्णा रोग को ठीक कर देती है, इसलिए दालचीनी का बहुत ज्यादा महत्व है। यह वायु का अनुलमन करती है, थोड़ा सा ग्राही भी रहती है, दीपन पाचन कार्य करती है, गर्भाशय में उत्तेजना देती है दालचीनी। दालचीनी का फांट जो है ना, अगर गर्भाशय में दे दिया जाए, अमेनोरिया कंडीशन में दे दिया जाए तो अच्छे से मेंसेस जाने लगते हैं, ऐसा अनुभव है। उसी तरह से शोणित स्थापक है, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उसमें, अगर इसका रक्त प्रदर जैसे कंडीशन है उसमें अगर दालचीनी का फांट दे दिया जाए ना तो तुरंत ही मेंसेज में बहुत अच्छा फायदा होता है। आक्षेप हर है, कृमिघ्न है, मतलब जिसको झटके आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, सीजर्स होते हैं, उनको यह देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से यह व्रण रोपक भी है, अगर जख्म हो गया है उस पर अगर दालचीनी के काढ़ा से अगर हमने व्रण को धोया तो वो बहुत अच्छा काम करती है, व्रण रोपक है। आर्तव प्रवर्तक है, मैंने कहा ना एनमेनोरिया की कंडीशन में दालचीनी का फांट दिया जाता है मिश्री डाल के, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, मेंसेज अच्छे आने लगते हैं, उत्तेजना देता है, प्रतिदूषक है, वात का अनुलमन करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। अब तेज पत्ता है तो आप लोग पुलाव जो बनता है उसमें तेज पत्ता जरूर डाला जाता है इंडियन फूड में, ये क्यों ऋषि मुनि लोगों ने अपने खाने में दालचीनी, इलायची ये सब क्यों डाला? क्योंकि यह इनका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो तेज पत्र है उसके बारे में बोला है, पलम पत्रम तमाल पत्रम च तथा स्यात पत्र नामकम, पत्रकम मुद्रम किंचित तीक्ष्णोष्णम पिच्छलम लघु नियंतिक वातार्शो हिरला सरुचि पीनसान। मधुरस युक्त है या और थोड़ा सा तीक्ष्ण है, उष्ण वीर है, पिच्छिल है, लघु होता है, कफ वात को ठीक करता है, अर्श व्याधि में अच्छा काम करता है, हुरलास अगर जी में चला रहे उसमें अच्छा काम करता है, अरुचि में, पीनस में बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। उसके बाद में नाग केशर, चातुर्जात में चौथा है नाग केशर, तो ऐसे बताया कि नाग पुष्प स्मृतो नागः, केशरो नाग केशरा, चाम्पेयो नाग किंजल का, कथिता कांचन नाव्या। मतलब यह जो है इसके पर्याय नाम है कि नाग पुष्प है, नाग है, केसर है, चाम्पे है, नाग किंजल का, क्योंकि यह सांप की तरह आकार वाला रहता है, कंचानव्य है, और यह कषाय रस युक्त रहता है, नाग पुष्पम कषायुष्णम रुक्षम लघ्वाम पाचनम, ज्वर कंडु तृषा स्वेद स्वेद छर्दी हिरलास नाशनम, दौर्गंध कुष्ठ विसर्प कफ पित्त विशापहम। मतलब कषाय रस युक्त है, उष्ण वीर है, रुक्ष है, आम को पचाने वाला है, ज्वर को ठीक करता है, खुजली को ठीक, मतलब ये जो मदन कामेश्वर रस है ना यह स्किन डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, तृष्णा रोग में काम करता है, पसीना स्वेद जनन है, पसीना अगर है स्वेद अति प्रवृत्ति हो रही है अप्रवृत्ति हो रही है उसको ये बैलेंस कर देता है। फिर हृदलास को, दुर्गंध को, बॉडी से अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, ऑर्डर बहुत आ रहा है, तो आजकल क्या है कि डिओड्रेंट या ये जो देते हैं डिओड्रेंट या परफ्यूम इसका प्रयोग किया जाता है ऐसे, तो ड्यू वगैरह जो रहता है, तो यह जो है ना उससे अच्छा यह है कि ये चातुर्जात का प्रयोग कर दिया जाए तो वो इंटरनली क्लिनजिंग करता है, स्वेद जनन लेता है, दुर्गंध को दूर करता है, कुष्ठ में, विसर्प में, फिर कफ पित्त और विष को दूर करने वाला है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो नागकेशर है वह संग्राही भी है, ब्लीडिंग पाइल्स में भी अच्छा काम करता है, गर्भ का स्थापना करता है और वहाँ गर्भाशय को ये बल देता है, उत्तेजना देता है, फॉलिकल्स का जो ये प्रोसेस है फॉलिकल्स बनना उसको ये अच्छा कर देता है, फॉलिकल्स रप्चर होने लगते हैं, फिर मैच्योर ओवा निकलने लगता है, इसलिए नागकेशर का प्रयोग तो बहुत अच्छा है। हमारे मतलब डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी तो नागकेशर और भारंगी का प्रयोग करती हैं और कामिनी मैडम नागकेशर और त्रिकटु का प्रयोग करते हैं, तो सच में इसका फायदा गर्भाशय पे होता है, आम पाचक है, सुगंधित है, और यह ना अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। फिर अधोग रक्त पित्त में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है, रक्तज अर्श में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है, गुद द्वार में अगर जलन हो रही है, पित्तातिसार हो रहा है, वमन हो रहा है, इका हो रहा है, तृष्णा हो गया, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर,
मतलब लिकोरिया है उसमें भी नागकेशर का प्रयोग अच्छा होता है, अतिस्वेद प्रवृत्ति है उसमें भी अच्छा काम करता है। तो इसीलिए ये जो मदन कामेश्वर रस है ना, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। बाकी इसमें और भी जो द्रव्य है ना, गोक्षुर है वह शुक्र बढ़ाता है, फिर चित्रक है दीपन पाचन कार्य करता है, यष्टि मधु है वह तो बहुत सारे गणों में है तो वह म्यूकोजल मेम्ब्रेन को भी अच्छा करता है सब पूरे बॉडी में, फिर मुसली है वह शुक्र बढ़ाता है, जीरक जो है दीपन पाचन है, सेंधा नमक जो है वह आंखों के लिए अच्छा है, और यहाँ पर दोष स्रोतोरोध को दूर करने के लिए इसका प्रयोग है, देवदार वायु का शमन करता है, काकोली है वह जीवनी गण में है तो वह जीवन कार्य रक्त धातु को अच्छा करता है, कुष्ठ वनस्पति है वह रक्त धातु को अच्छा करता है दीपन पाचन करके, अश्वगंधा है वह शुक्र धातु और मांस धातु को अच्छा करता है इसलिए डाला हुआ है, कस्तूरी है वह शुक्र धातु को अच्छा करता है, द्राक्षा है वह रस धातु को अच्छा करता है, मतलब इसमें जितने भी द्रव्य है ना, अजवाइन है वह दीपन पाचन कार्य करते हैं, शतावरी है वह वृक्ष भी है और रसायन भी है, पुनर्नवा है वह पूरे बॉडी में नए नए सेल उत्पन्न करता है, फिर विदारिका है वह शुक्र धातु को बढ़ाता है, फिर इसमें भांग डाला है तो वह भी शुक्र को अच्छा करता है, अभ्रक भस्म में वह अगर कहीं पर भी सड़न जैसी पैथोलॉजी है उसको ठीक कर देता है और शुक्र धातु को अच्छा करता है, यकृत का कार्य अच्छा करता है, इसी तरह से शाल्मली है वह मधुर मधुर शीत है वह भी शुक्र धातु को अच्छा करता है, वृष भी है और संग्राही भी रहता है, मतलब अगर लूज मोशन टाइप हो रहा है, सर्वातिसार हो रहा है, मतलब हर तरह का अतिसार हो रहा है उसमें भी शाल्मली डाला हुआ है तो यह बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप लोग सहस्त्र योगम का मदन कामेश्वर लेहम का प्रयोग आप लोग अपने प्रैक्टिस में करेंगे, सारी वनस्पतियों को लाना है और मिक्स करके उसमें मिश्री जितना ये चूर्ण है उतना ही मिश्री डाल के पीस देना है, पतला कर देना है, मिक्स कर देना है, और उसके बाद में मधु अघृत मधुर ज्यादा डालिए या कम डालिए और घी विषम मात्रा में डालना है, ये डाल के अवलेह जैसा बना के और ऐसे पात्र में रखना है जिसमें जाति पुष्प रहे या चंपक रहे, ऐसे सुगंधित पुष्पों के जो जहाँ पे पहले फूल डाले हैं वह सुगंध उसमें आना चाहिए, वो फूल डाल के वो फिर पात्र को मैं से निकाल के और डाल देना है तो सुगंधित हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं आप सभी लोगों का प्रश्न उत्तर का मैं बता देता हूँ, आप लोग प्रश्न पूछिए कृपया, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, कोई भी आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आप लोग इसका प्रयोग करेंगे मुझे मालूम है। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उर्मिल मलिक जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग प्रश्न पूछिए, अगर कोई भी डिफिकल्टी है आप लोग अपने प्रैक्टिस रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन का भी मैं लिंक दे देता हूँ आप लोग वहाँ भी आके प्रश्न पूछ सकते हैं, और डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा बढ़ेगा इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बताने के लिए आता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनुरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वसु जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर योगेश महाजन जी, नो नो योगेश महाजन बोल रहे हैं गुड फॉर डायबिटिक, नो नो डायबिटिक नहीं, प्रमेह व्याधि में दे सकते हैं, डायबिटीज में देने से शुगर लेवल बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिश्री डाला हुआ है मधु डाला है तो इनको उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर उसके बाद में है संजय जी नमस्कार, डॉक्टर अभिलाषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रुति निगम जी, डॉक्टर श्रुति निगम जी आप शायद भूल गई कल स्वर्ण प्राशन का दिन है, कल शायद पुष्य नक्षत्र है, कल शुक्रवार है तो आप बनाने वाली हैं ऐसा अपेक्षा करके, हम अभी इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे तो आप थोड़ा वैद्य लोगों को गाइड कर दीजिएगा अभी, क्योंकि होने वाला है इंटरेक्टिव सेशन। डॉक्टर अमित पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, हाँ इसमें बोल रही हैं कि सोनाली जी कोटि कोटि प्रणाम, मात्रा कितनी, मात्रा इसका 2 चम्मच बताया है और ग्रंथों में बोल रहे हैं कि 6 ग्राम की मात्रा में रात्रि में प्रयोग करना है, दूध के साथ प्रयोग करना है, इसका मात्रा ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर वृष काम करना है तो दे सकते हैं, छोटे बच्चों में तो इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देगा, छोटे बच्चों के लिए रसायन का कार्य करेगा, कफ को दूर कर देगा। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, और आप लोगों के प्रश्न है तो पूछिए। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं बिना शहद मिश्री के बना सकते हैं, तो ये हमारे सर जो हैं आदरणीय वैद्य समीर जमद अग्नि सर, उन्होंने जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए ये चूर्ण को मिक्स कर दिया और उनको घी के साथ अनुपान के साथ दिया और दूध के साथ दिया और उनको लिए मिश्री और मधु बंद कर दिया। हाँ डॉक्टर अनुरीता जी बोल रहे हैं डायबिटिक इंड्यूस्ड लिबिडो, यस आई कैन गाइड यू, उसमें डायबिटिक इंड्यूस लिबिडो है ना तो उसमें स्वर्ण कल्प में अगर जाना चाहें
तो बहुत अच्छा द्रव्य है। तो वसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण मकर ध्वज बहुत अच्छा काम होता है, मन्मथ रस, कामाग्नि संदीपन रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, फिर कामिनी विद्रावण रस, ये टेबलेट फॉर्म में आ गया, स्वर्ण कल्प में आ गया। नहीं तो वंग भस्म है, त्रिवंग भस्म है, वो डायबिटीज भी ठीक करता है और लिबिडो को भी अच्छा करता है। इसी तरह से रसकल्प में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे पहले हमें तो सार किट विभाजन और दीपन पाचन करना है, शुक्रवार स्त्रोतस को अच्छा करना है। उसके बाद में हमें वृष्य दवाइयाँ, जो खाने में बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, नॉर्मल है, जैसे अश्वगंधा है वो खाने में मीठा तो ना होता है लेकिन वो शुक्र बढ़ाता है, लिबिडो को ठीक करता है। फिर शतावरी है, मुसली है, विदारी है, फ्रेश पाउडर लेके आना है और वह देना है 3 से 6 ग्राम की मात्रा में। फिर कपिकच्छू है, गोक्षुर है, ये लिबिडो को बहुत अच्छा करता है, डायबिटीज में भी अच्छा काम करता है। डॉक्टर अभिलाषा जी बोल रही हैं कितना मात्रा, तो यह सहस्त्र योग में 6 ग्राम की मात्रा में एडल्ट डोज है, छोटे बच्चों में थोड़ा सा दे सकते हैं, छोटे बच्चों में कोल मात्रा और मतलब बेर के जैसा बना के गोल गोल ऐसा दे सकते हैं, या फिर उसमें करकंदू है या मुद्ग जो मूंग रहते हैं उतनी मात्रा में भी देंगे तो रसायन का कार्य करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर देता है। जरूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन करा के वैक्सीन लेके, अभी कितना वैक्सीन लेके भी लोग मर रहे हैं, उससे अच्छा आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले और चातुर जाते, इलायची है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, नागकेसर है, ये तो कितना अच्छा है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये बॉडी को अच्छा ही करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी बोल रहे हैं कि सहस्त्र योगम किस लेखक का पुस्तक है, अब मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ, क्योंकि ना ये है ना साउथ इंडिया में बहुत बुक चलता है और मैंने डॉक्टर नितिन बंसल जी को भेजा भी था, यह बहुत अच्छा किताब है, बहुत अच्छा किताब है ये, तो इन्होंने लिखा है, ये दिल्ली का है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा, शिव कुमार मिश्र इन्होंने इसको ये किया है, ट्रांसलेट किया है, लेकिन ये पूरा सारा किताब जो है ये साउथ इंडिया का है, इसको किसने लिखा है ये, हाँ सहस्त्रयुगम बोला है कि मलयालम में लिखा हुआ किताब है, जो ऋषि मुनि अगस्त मुनि थे ना वो, उन्होंने पूरा केरलीय पद्धति का अलग ही चिकित्सा लिखा, तो ये मूल किताब जो है वो मलयालम में लिखा हुआ है और बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, तो यह किसका लिखा हुआ है यह ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगस्त मुनि ही पूरा केरलीय चिकित्सा के प्रणेता है। अगस्त मुनि जो थे वह पहले वहां रहते थे, उत्तर भारत में रहते थे, तो वो ना जब उनको ऐसा बोला गया कि आप जाइए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए आप वहां जाइए, मतलब शिव जी ने उनको कहा, तो वह जब जाने लगे ना तो एक ये था मेरु पर्वत था, उसको बहुत अहंकार था कि मेरे जैसा तो कोई भी ग्रेट नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तो इतना बढ़ रहा हूँ कि मैं हिमालय को भी हरा दूंगा, ऐसा उसको घमंड था, तो लेकिन वो अगस्त मुनि का भक्त था, तो अगस्त मुनि के पास वो ना ऐसे झुक जाता है, जब उनके गुरुजी आ रहे हैं तो झुक जाता है, तो वो बोलते हैं कि तुम थोड़ा ऐसे ही झुके रहो, मैं दक्षिण भारत से लौट के आ रहा हूँ, तब तक तुम झुके रहो, तो मेरु पर्वत है वो झुक गया, तो आज तक वो अगस्त मुनि वापस नहीं आए और वो सप्तऋषि हैं, तो वो वेट कर रहे हैं अभी भी, तो उसका अहंकार उन्होंने झुका दिया और इसलिए ऐसे अगस्त मुनि को बोलते हैं। और अगस्त मुनि जो थे ना बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सक थे, आयुर्वेद के बहुत श्रेष्ठ हैं, और उन्होंने पूरा उत्तर भारत, और ऐसा यह है कि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में जो आज आयुर्वेद का केरलीय जो आयुर्वेद है पूरा वह अगस्त मुनि का ही है, और मलयालम में उन्होंने सब चीज बताया। अब क्या है कि मलयालम भाषा भी संस्कृत से निकला हुआ है और देव प्रणीत भाषा है, मतलब देवता लोग भी मलयालम भाषा बोलते थे और राजा बलि भी बोलते थे, इसीलिए ना सहस्त्रयुगम पुस्तक जो है वो मूल रूप से दक्षिण भारत के लोगों ने, वैद्य आचार्यों ने, ऋषि मुनि लोगों ने वहां मलयालम में लिखा है। अभी हमारे पास हिंदी ट्रांसलेटेड आता है और या संस्कृत ट्रांसलेटेड आता है या फिर इंग्लिश ट्रांसलेटेड आता है, लेकिन इसके जो साउथ इंडिया की जितने भी दवाइयां बनती हैं आजकल, आर्य वैद्यशाला कुट्टकल का हो गया, आर्य वैद्य फार्मेसी एवीपी का हो गया, फिर वैद्य रत्नम का हो गया, फिर सीएनएस चिकित्सालय हो गया, मलाबार का हो गया, जितने भी साउथ इंडिया की मेडिसिन आती हैं वो सहस्त्र योगम का प्रयोग करते हैं, और वो लोग रस कल्प कम यूज करते हैं, वो लोग कषाय कल्पना ज्यादा करते हैं, घृत तेल और लेहम और चूर्ण ये सब का ज्यादा यूज करते हैं। उत्तर भारत में कैसे हैं कि लोग बस ना धैर्य नहीं है कि काढ़ा पियेंगे या फिर उतना, क्योंकि बाहरी आक्रमण हुए ना तो आयुर्वेद बहुत सारा नुकसान कर दिया गया, तो जो उत्तर भारत में जो पद्धति था आयुर्वेद का काढ़ा पीने का वो सब बंद हो गया, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने अभी भी सहेज के रखा है, और जो आक्रमणकारी होते थे वो दक्षिण भारत तक जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र हो गया, फिर ये कर्नाटक हो गया, तो यहाँ पर आप लोग इतिहास पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में सप्तवाहन राज्यवंश था, तो सप्तवाहन जो थे बहुत ही ताकतवर थे और चोल और चांडेय ऐसे ये साम्राज्य था, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, तो ये लोग इतने पावरफुल होते थे,
और मतलब इतने स्ट्रांग होते थे कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे उन सबको एंटर ही नहीं होने देते थे। तो इसलिए जो मंदिर अभी दक्षिण भारत में मंदिर देखें तो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर त्रिवेंद्रम में, वो इतना अच्छा है, भव्य है। तो वहां पर वो मंदिर वगैरह नहीं तोड़े गए, वहां आयुर्वेद को नष्ट नहीं किया गया। उत्तर भारत में तो सोना बहुत था, अब दक्षिण भारत में भी सोना था भी और अभी भी है, लेकिन उत्तर भारत को लूट के लेके गए वो लोग। और वहाँ उत्तर भारत में कैसा था कि यूनिटी नहीं था, एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए ऐसे गद्दारी करते थे, मतलब ऐसा बहुत था, ऐसा बहुत प्रॉब्लम था। तो इसीलिए हमारा आयुर्वेद का नुकसान बहुत हुआ। लेकिन सहस्त्र योगम पुस्तक जो है इसमें एक एक द्रव्य इतना अच्छा है, और आप लोग साउथ की कंपनी का देखेंगे ना तो उसमें लिखा है ग्रंथाधार, कोई भी तेल वगैरह देखेंगे तो सहस्त्र योगम, सहस्त्र योगम ऐसा लिखा रहता है। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नितिन बंसल जी बोल रहे हैं कि मधुमेह में सिर्फ चूर्ण दे सकते हैं। हाँ मैं वही बताया, मेरे सर ने यही सिखाया है कि चूर्ण दे सकते हैं तो ये वृष्य कार्य करेगा, लॉस ऑफ लिबिडो में भी बहुत अच्छा काम करेगा और बल भी देगा, रसायन कार्य भी करेगा। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कुष्मांड रसायन मदन कामेश्वर में क्या डिफरेंस, कब यूज करें? कुष्मांड रसायन तो लाल भोपला का बनता है, पेठा की मिठाई जिससे बनती है ना उससे बनता है, और मदन कामेश्वर इसमें चातुर्जात वगैरह है, इसमें मसालों का ज्यादा प्रयोग किया है क्योंकि केरल में ना मसाले बहुत ज्यादा आते हैं, कोस्टल रीजन है, वहाँ पहाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं कि वहाँ पर शुद्ध, और जो अंग्रेज वगैरह है फ्रांसीसी वगैरह है वो तो मसालों का बिजनेस करने के लिए आए और बाद में फिर उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया, पूरा इंडिया को गुलाम बनाया, लेकिन जितने मसाले हैं सब वहीं पे, तो इसमें सारे मसालों का प्रयोग किया है और इतनी अच्छी अच्छी दवाएं हैं। कुष्मांड रसायन कुष्मांड से बनता है, मदन कामेश्वर रस में ये सब कुष्मांड नहीं है। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग ना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। ये देखिए इन्होंने अग्रवाल जी ने वो ऑथर के भी नाम बता दिए इन्होंने जो ट्रांसलेटेड है, ओरिजिनल जिनको मलयालम आता है, और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया की जो सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है वो मलयालम है, जिसको मलयालम आ गया उसको पूरी इंडिया की सब भाषा आ गई, सबसे टफेस्ट भाषा बोला जाता है। तेलुगु भी इतनी नहीं है और तमिल भी नहीं है, मलयालम सबसे टफ है और संस्कृत से भी टफ है। संस्कृत तो पढ़ाया जाता है तो हमें संस्कृत आता है, लेकिन मलयालम बहुत टफ है। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं इन्होंने देखे सहस्त्र योगम का बुक लिख दिया बाई के नितेश्वर एंड आर वैद्यनाथ, इंग्लिश में है, डॉक्टर जी प्रभाकर राव इंग्लिश में है। डॉक्टर प्रभाकर राव सर हमारे आयुष दर्पण के मॉर्निंग के सेशन में आते हैं कभी कभी, चरक और अष्टांग के लेक्चर में, तो उन्होंने ना एंट्रेंस एमडी एंट्रेंस की भी बुक लिखी है, तो ये इंग्लिश में उन्होंने लिखा है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हिंदी में, CCRAS यह हिंदी में, और मेरे पास जो किताब है यह दिल्ली का प्रकाशन है और शिव कुमार मिश्रा जी का है, शिव कुमार मिश्रा जी ने ये लिखा है, CCIM के वो प्रेसिडेंट थे शिव कुमार मिश्रा जी, उनकी बुक मेरे पास है, आप लोगों को चाहिए तो मैं भेज दूंगा, यहाँ तो मिलता है और इसका यूज़ बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स करते हैं, और इसमें जो मेडिसिन है बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है बताए हैं। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रंजीता कश्यप जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रंजीता जी बोल रहे हैं आई एम लेट व्हाट वाज टॉपिक, मदन कामेश्वर रस है आप बाद में इसको देख लीजिएगा, दालचीनी फांट फॉर अमेनोरिया पेशेंट व्हाट डोज हाउ मेनी डेज प्रिस्क्राइब। अब कोई फांट देते हैं तो कितना मात्रा रहता है, 45 ml तक देते हैं सुबह शाम देते हैं, और एमोनोरिया के पेशेंट में यह आर्तव जनक है, आर्तव उत्पन्न करता है, एंडोमेट्रियम में ना इसका एक्शन होता है दालचीनी का फांट का, इसका हम लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाउ मेनी डेज, आप ना 3 महीने का साइकिल तक इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर पंकजा पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको, अब मैं ना अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं अगर फोन नहीं उठा पाया तो मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ सभी को, और आप लोग ना बहुत अच्छे वैद्य लोग हैं इसलिए तो मैं इतना आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, मतलब आप लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा बनेगा। ये देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है, और मैं जो इंटरेक्टिव सेशन का जूम आईडी वो आप लोग को देता हूँ, जो लोग ना आना चाहते हैं संभाषा में वो लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग आइए और ना देखिए मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड और आईडी देता हूँ, आप लोग सब लोग आइए, अभी 8 बजे शुरू हो जाएगा, संभाषा में आइए और आप लोग अपने अपने प्रश्न पूछिए। पासवर्ड हो गया, सॉरी आईडी पहले देता हूँ फिर पासवर्ड देता हूँ, 1 मिनट, ओके पासवर्ड है
आयुष 123, और आईडी है, एक मिनट रुकिए, ये ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लिखने में कुछ गड़बड़ हो रहा है। सेवन 3 0 9 8 8 4 3 8 0, क्योंकि ना डॉक्टर नवीन जोशी सर ने इतना मेहनत से ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है क्या? सब लोगों के लिए बनाया है, तो आप लोग इसका फ़ायदा लीजिए, आप लोगों को ना बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। डॉक्टर रंजीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। इंटरेक्टिव सेशन का मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया है, और अभी का मैं लेक्चर बंद करता हूँ। हम लोग ना 8 बजे मिलेंगे, आप सभी लोग का स्वागत है इंटरेक्टिव सेशन में। क्लिनिकल संभाषा जो होती है उसमें सभी लोग का स्वागत है। प्रणाम।